आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप भी ठीक होंगे। और आज सबसे पहले तो ये कि जो भाई नए हैं मेरे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को फुल वॉच कर दें, वो मुझे सपोर्ट करें, मैं उनको सपोर्ट करूँगा। और आज की जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, एंड पे आप देखिएगा ये जो वीडियो है ये ज़िंदगी के लिए बनी है कि मौत से कैसे बचा जाए। आप देखिएगा एंड पे आपको सारा बताया जाएगा कि क्या सुनैरियो है, किस किस्म का ये वायरस है और इस वायरस के क्या इफ़ेक्ट हैं। ये एक बहुत डेंजरस वायरस है, कोरोना वायरस, इसके ऊपर आज मैंने वीडियो बनाई है, तो आपके साथ एंड पे शेयर करेंगे, आप देखिएगा। तो आप ख़ुद डिसाइड कीजिएगा कि आपने क्या करना है इसके बचाव के लिए, और आपने कमेंट्स में भी बताना है कि आपने क्या सोचा है इसके बचाव के लिए और आगे क्या करना चाहिए आपको इसके से बचाव के लिए। ये एक बहुत डेंजरस और ख़तरनाक बीमारी है, इससे जो हम लोग एहतियात करेंगे तो बचेंगे, एहतियात नहीं करेंगे तो जो हाल होगा वो आप वीडियो में देख लीजिएगा कि अगर जिसने एहतियात नहीं की उसका क्या हाल हुआ, जिसने एहतियात की उसका भी क्या हाल हुआ। ये नहीं कि जिसने एहतियात की वो इससे बच गया, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, जिसने नहीं एहतियात की उसके साथ क्या हुआ, तो आप देखिएगा और ख़ुद डिसाइड कीजिएगा। और जो है इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा और चलते रहिएगा, और इंशाल्लाह ताला हम लोग आपके लिए न्यू से न्यू वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसको लाइक कर दें वीडियो अगर पसंद है, तो लास्ट पे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। सेकंड नंबर पे अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, बड़ों से प्यार कीजिएगा और बच्चों से मोहब्बत कीजिएगा। अब इस बीमारी की वजह से फिर से स्कूल बंद हो गए हैं, लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं है, हमें एहतियात करना चाहिए ताकि स्कूल वगैरह बंद ना हो। इतनी इतनी फ़ीस वगैरह हम लोग जो पे कर रहे हैं, बच्चों को हम लोगों ने पढ़ाना है, उनका फ्यूचर भी ख़राब हो रहा है इस बीमारी की वजह से। तो हम सब मिलजुल के इस बीमारी का मुकाबला करें ताकि इस बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सके। चलो अगर जड़ से ख़त्म नहीं होती तो काफ़ी हद तक तो ख़त्म कर सकते हैं, तो मिलजुल के हमारा साथ दें और इस बीमारी से जो है हम लोग मिल के लिपटें और इससे भगाएं यहाँ से कम जो आप लोग सोप है उससे किसी भी साबुन से 20 सेकेंड तक हाथ तो लाजमी धोएँ, ताकि जो हर किसी किस्म का वायरस हो वो तो हाथ से निकल जाए, जरा से भी निकल जाए वायरस भी निकल जाए, आम दूसरी बीमारियों से भी बच जाएं और सेफ ज़िंदगी रह सकें। तो हमारे साथ बने रहिएगा, अब हम आपको लेके जा रहे हैं वीडियो की तरफ। वीडियो देखिएगा और डिसाइड कीजिएगा और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि हमें अब क्या करना चाहिए। मैं आपके कमेंट्स का मुंतज़र रहूँगा कि हम बताइएगा क्या करना चाहिए हमें, इसके साथ रहना चाहिए कि इससे छुटकारा पाना चाहिए। तो वीडियो जो है वो काफ़ी मैंने तो देखी तो मेरा तो जो है दिमाग भी ख़राब हो गया, दिल भी परेशान हो गया, वैसे भी मैं अपसेट हो गया कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। तो आए अब हम आपको लेके जाते हैं वीडियो की तरफ, आप देखिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। तो वीडियो के एंड पे जो है वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो आप लाजमी देखें वीडियो। थैंक यू जी, आए हमारे साथ ही बने रहे। ये कोरोना हो गया, ये कोरोना देखना लंग्स के अंदर, जो लोग कहते हैं ना कोरोना नहीं होता है, सर ये होता है कोरोना, ये 3D CT देख रहे हैं आप, ठीक है, ये कोरोना है जो आप देख रहे हैं, ये जाले जैसा, ये ठीक है ना, ये कोरोना है, ठीक है, समझ में आ गया कोरोना। ये वो कोरोना है जिसने वैक्सीन लिया था उसको कोरोना जो लगा है उसका है ये, वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना लग गया, ओ हो हो। अच्छा तो जिन्होंने नहीं लिया, ये रहा जिन्होंने नहीं लिया उनका, हो गई बल्ले बल्ले, इसमें पेशेंट मर जाता है। तो ये दोनों आपके सामने लंग्स रखे हुए हैं, दोनों फेफड़े रखे हुए हैं आपके सामने, ठीक है, वैक्सीन लगने के बाद कोरोना होने वाला फेफड़ा और बिना वैक्सीन के कोरोना होने वाला फेफड़ा, दोनों हैं, आपने डिसाइड करना आप किस तरफ जाना चाहते हो भाई, राइट हैंड साइड में बिना वैक्सीन वाला फेफड़ा
कोरोना हुआ, और इधर कोरोना हुआ वैक्सीन वाला फेफड़ा।